हाय गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही नेचुरल ग्लोइंग स्प्रिंग समर मेकअप लुक, जो कि बहुत 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 ही इजी है। आप लोग उसको 5 या 10 मिनट में इजीली कर सकते हैं। ये वो मेकअप लुक है जो कि मैं जल्दी में करती हूँ, और क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कवरेज या बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है, बहुत ही नेचुरल मेकअप लुक है ये, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता ऐसे करने में। एंड आई ऑल्सो शो यू कि मैं अपने बाल कैसे स्टाइल करती हूँ, बेसिकली मैं अपने बाल कैसे कर्ल करती हूँ। सो येस, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ये नेचुरल मेकअप लुक है और इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, हाई कवरेज फाउंडेशन या बहुत ज़्यादा मेकअप इन्वॉल्व नहीं है। इस नेचुरल मेकअप लुक को अचीव करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपकी स्किन। जी हाँ, अगर आपकी स्किन अच्छे से प्रेप नहीं है या फिर क्लियर और ग्लोइंग नहीं है तो ये नेचुरल मेकअप लुक आप पे अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज इट्स नॉट अ लॉट ऑफ कवरेज और बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है। तो आपकी स्किन जो है प्रेप्ड होनी वो बहुत ज़रूरी है, ग्लो करनी बहुत ज़रूरी है। मेरी स्किन बिल्कुल ग्लो नहीं कर रही है, क्योंकि जब भी वेदर चेंज होता है तो मेरी स्किन पे दिखने लगता है। एंड इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू नो कि मैं ऋषिकेश गई थी ट्रैक पे, जिसकी वजह से मेरी स्किन की बैंड बच गई है, बहुत ब्रेकआउट हो रहे हैं मुझे। बट मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या यूज कर रही हूँ इस ब्रेकआउट को आउट करने के लिए मेरी लाइफ से। तो मैं यूज कर रही हूँ ये एक्टे का एंटी ट्रीटमेंट जेल। ये बेसिकली स्किन परफेक्टिंग जेल है, जिसमें टी ट्री, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, कैम्फर, नटमेग, विटामिन सी एंड ई है। ये बेसिकली एक जेल है जो कि आप मैं इसको थोड़ा सा ही यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही हूँ, बेसिकली जस्ट 2 pumps, जो कि आपके स्किन के एक्ने बम्प्स को जो है रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को बेसिकली रिलैक्स करता है, क्योंकि इसमें टी टी एक्सट्रैक्ट है, विटामिन सी और विटामिन ई है। तो मैं ये अपने मेकअप को लगाने से पहले इसको लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो आपके एक्ने बम्प्स हैं या छोटे छोटे पिंपल्स जो है रोज मेकअप लगाने से भी आ जाते हैं, तो ये जो है उसको कूल डाउन करेगा। इसको आप रात को भी लगा सकते हैं अपने अंडर आईज के नीचे, और ये आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स को कम करने में भी हेल्प करता है, लाइक अ स्लीपिंग मास्क। मैं इसको आज मेकअप करने से पहले एज अ प्राइमर लगा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये मेरे एक्ने बम्प्स को कूल डाउन करेगा, क्योंकि इसमें एक कूलिंग इफेक्ट है और लगाते ही जो है मुझे एक कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक्ने बम्प्स को रिड्यूस करती हैं और आपकी स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देती हैं, जो कि गर्मियों में स्पेशली बहुत अच्छा है, बिकॉज हम बहुत स्वेट करते हैं और स्किन बहुत ऑयली हो जाती है। सो इट्स रियली गुड थिंग टू अप्लाई घर से निकलने से पहले, या फिर मैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं इसको मेकअप करने से पहले लगाती हूँ। रोज मेकअप करने से भी पिंपल्स जो होते हैं उसको ये सेटल करता है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ इसी ब्रांड का 24 कैरेट गोल्ड विटामिन सी सीरम। नाउ जैसे कि मैंने कहा, हम ग्लोइंग मेकअप की बात कर रहे हैं, नेचुरल मेकअप की बात कर रहे हैं, तो ग्लो तो जरूरी है। अगर नेचुरली ग्लो नहीं आ रहा है तो कुछ प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं ग्लो के लिए। या दिस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट दैट आई हैव बीन यूजिंग, just 1 or 2 pumps of this. इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो लिटरली गोल्ड लगा रही हूँ मैं अपने स्किन के ऊपर फॉर दैट ग्लो। इसको भी आप रात को लगा सकते हैं, बिकॉज ये कोलैजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये एज अ रिपेयरिंग क्रीम भी या रिपेयरिंग जेल जो है आप रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं। बट मैं आज इन दोनों चीज़ों को अपने स्किन को प्रेप करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आई वॉन्ट अ ग्लोइंग स्किन, बिकॉज मुझे नेचुरल ग्लोइंग मेकअप जो है करना है। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन प्रेप्ड हो, क्लीन हो, ज़्यादा ऑयली ना हो और जो है ग्लो करे, ताकि अगर मैं कम मेकअप भी लगाऊं तो वो जो है नीचे से अनइवन या जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो। तो मेरी स्किन जो है प्रेप हो गई है और अब मैं रेडी हूँ मेकअप लगाने के लिए। तो मैं आज यूज कर रही हूँ ये बायोडर्मा का SPF। दिस इज अ फोटोडर्म मैक्स SPF 50+। ये बेसिकली एक सनस्क्रीन है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा टिंट है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ अपनी नेचुरल फाउंडेशन से, विच इज़ मैक फेस एंड बॉडी। अगर मुझे सिर्फ थोड़ा सा ग्लो चाहिए तो मैं सिर्फ ये भी यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर मुझे हल्की सी और कवरेज चाहिए ताकि मेकअप जो है उसके ऊपर बिल्ड हो जाए अच्छे से। आई थिंक मेरा नंबर है N2। इसके मैं सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप्स जो है यूज़ करती हूँ और इसको इसके अंदर मिक्स करके, ये बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी है इन दोनों चीज़ों की, तो मैं ये अपने फेस पे, बहुत ही वाटरी है ये और इसी वजह से ये बहुत नेचुरल लगती है, बिल्कुल केकी या बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि आपने कुछ लगाया है अपने फेस पे, पर आपकी स्किन के ऊपर एक हल्का सा फिल्टर आता है। और तो मैं इसको यूजुअली हाथ से ही ब्लेंड करती हूँ। तो ये है एक लेयर, अगर आप चाहते हैं तो आप एक और लेयर लगा सकते हैं, बट मैं यूजुअली इससे ज़्यादा लगाती नहीं हूँ क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरी स्किन ग्लोइंग दिखे और नेचुरल दिखे। अगर इसमें से थोड़े से इम्परफेक्शंस भी हैं तो भी इट्स फाइन, बिकॉज समर टाइम है, हम बहुत ज़्यादा मेकअप लगाना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा कवरेज थिक फाउंडेशन लगाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी स्किन ब्रीथ करे। तो इसलिए मैं बहुत कम कवरेज वाले या बहुत थिन फाउंडेशन या बहुत थिन प्रोडक्ट्स जो है अपने फेस पे लगाना प्रेफर करती हूँ। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो स्किन है, मैं बार बार यही कहती रहती हूँ बट येस, बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन अच्छे से प्रेप्ड हो और अगर आप वो ग्लोइंग इफेक्ट चाहते हैं तो आप कोई ना कोई प्राइमर या फिर कोई ना कोई क्रीम या फिर जैसे कि मैंने यूज़ किया है 24 कैरेट गोल्ड जेल, जिसके अंदर बेसिकली गोल्ड एक्सट्रैक्ट्स हैं, उसे यूज़ करें बिकॉज वो आपके मेकअप में, वो आपकी स्किन को ग्लो करने में बहुत मदद करेगा। अब आ रही है कंसीलर की, क्योंकि हमने बहुत ही एक लाइट वेट फाउंडेशन यूज़ की है या एक लाइट वेट बेस यूज़ किया है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है, तो मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा सा कंसील करना। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कंसीलर, मेबेलिन का फिट मी कंसीलर। मेरा कलर है मीडियम 25। बहुत ज़्यादा नहीं, मैं इसको थोड़ा सा अपने आईज के नीचे, आईब्रोज के नीचे और हल्का सा उन एरियाज में जहाँ पे मुझे कोई मार्क्स हैं या पिगमेंटेशन है जो कि मेरे फेस पे भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो कंसीलिंग इज डन। बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है पर इट्स फाइन, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा फेस फ्लॉलेस लगे, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मेरा फेस नेचुरल और ग्लोइंग दिखे। अब हम पाउडर करेंगे अपने फेस को। मैं यूज़ कर रही हूँ हेलो फ्लॉलेस फ्रॉम बेनिफिट और मैं इसको फैन ब्रश से यूज़ करती हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है मेरे फेस पे लगे। तो इससे जो है कम प्रोडक्ट अप्लाई होता है, कम प्रोडक्ट पिकअप करता है ब्रश और आपके फेस पे बहुत हल्के से नेचुरल लुक देता है। इस प्रोडक्ट में जो है एक ग्लो है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली नेचुरल मेकअप जो है उसका पॉइंट ये है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सैंडविच करें और उन प्रोडक्ट्स में जो भी कवरेज है उसको आप यूज़ करें, इंस्टेड कि आप एक फाउंडेशन लगाएं जो कि बिल्कुल हाई कवरेज है। उससे नेचुरल लुक कभी अचीव नहीं होगा। अगर आपको नेचुरल लुक अचीव करना है तो आप हल्के अपने प्रोडक्ट्स को सैंडविच कर सकते हैं और अपनी कवरेज जो है बिल्ड कर सकते हैं धीरे धीरे। अब बारी है ब्राउज की। मैं यूज़ कर रही हूँ गूफ प्रूफ ब्राउ पेंसिल। मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ बिकॉज बहुत ही कन्वीनियंट लगता है मुझे ये। जल्दी से मैं अपने ब्राउज को ब्रश अप करती हूँ और हल्के फिल करती हूँ। इस मेकअप लुक में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, बहुत ही नेचुरल है। आई नो मैंने नेचुरल बहुत बारी बोला है बट द पॉइंट इज़ कि कुछ भी परफेक्शन से नहीं है, इट्स एन एवरीडे मेकअप लुक। तो क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम, और इसीलिए मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये इसमें कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो बहुत मुश्किल है या बहुत ही जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिसिशन या परफेक्शन हो। जैसे कि मैंने कहा मुझे सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इसको करने में। ब्राउज डन। अब आ रही है ब्रॉन्जर की। मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी का ब्रॉन्जर ऑल ओवर ग्लो। इसके अंदर 2 कलर है, एक डार्क है और एक थोड़ा लाइट है। मैं इन दोनों को मिक्स करके कॉन्टूर नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने चेहरे पे ग्लो और थोड़ी सी डेफिनेशन लाने के लिए यूज करती हूँ। इस तरीके से अपनी चीकबोन के नीचे जब हम कॉन्टूर करते हैं तो हम चीकबोन के नीचे थोड़ी प्रिसाइसली जो है प्रोडक्ट लगाते हैं, लेकिन मैं ब्रॉन्ज कर रही हूँ, मीन्स मैं अपने चेहरे पे थोड़ा सा कलर दे रही हूँ, बेसिकली थोड़ा सा टैन। जबकि हम जैसे कि हम सन में जाते हैं बाहर या कभी बीच पे जाते हैं तो हमारे फेस पे जो ब्यूटीफुल ग्लो आता है, मैं वो रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ इस ब्रॉन्जर से। और मैं इसको अपने नेक पे भी ब्लेंड करती हूँ थोड़ा। अब मैं इसी ब्रॉन्जर को अपने आईज पे लगाऊंगी, अपनी आईज में थोड़ी सी डेप्थ और डेफिनेशन के लिए। जो चीज़ मैंने अपने फेस पे करी है वो सेम चीज़ मैं अपने आईज पे कर रही हूँ उसी प्रोडक्ट से। अपनी क्रीज पे कोई भी फ्लफी ब्रश लेके लिटरली मैं इसको ऐसे रोल करती हूँ, एक्सेस निकालती हूँ और आई जस्ट पुट इट लाइक दैट। और यही प्रोडक्ट मैं अपने आईज के नीचे लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं कितनी कैजुअली इसको लगा रही हूँ और लिटरली मैं रोज़ यही करती हूँ और कोई आई शैडो या आई प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ ब्रॉन्जर। अब आ रही है मेरे फेवरेट पार्ट की, क्योंकि अब हम ऐड करेंगे अपने फेस पे ग्लो। मैं यूज़ कर रही हूँ कलरबार का कैंडी बार कलर सर्कस कैंडी मैन आई पिगमेंट। ये है 014 नंबर। ये एक आई पिगमेंट है जो कि मैं अपने आईज पे यूज करती हूँ और उसको एज अ हाइलाइटर भी लगाती हूँ। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा कैप पे लेके अपनी फिंगर से ही अपने आईज पे प्रेस करती हूँ इस तरीके से। ये बहुत ही पिगमेंटेड है तो इसकी पिगमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, बहुत ही ग्लोई इफेक्ट। और मैं इसको इसी ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ थोड़ा सा अपने ब्राउज के नीचे। मैं उसको अपने चीकबोन पे लगाती हूँ एज अ हाईलाइट। तो ये हो गया मेरा आई मेकअप डन। बहुत ही इजी है, सिर्फ थोड़ी सी डेफिनेशन आईज पे। अब आ रही है मस्कारा की। मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का फॉल्स लैश सुपरस्टार मस्कारा। अब आ रही है लिपस्टिक की। इस लुक के साथ आप कोई भी लिपस्टिक यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतना नेचुरल और यू नो न्यूट्रल मेकअप लुक है, तो कोई भी लिपस्टिक पिंक, पर्पल, रेड, ब्राउन, कोई भी लिपस्टिक इसके साथ अच्छी लगेगी। लेकिन मैं आज थोड़ी सी ब्राइट पिंक लिपस्टिक यूज करूंगी। मैं जब भी पिंक लिपस्टिक लगाती हूँ, वैसे तो मैं पिंक लिपस्टिक ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, लेकिन जब भी लगाती हूँ तो मैं उसको हमेशा थोड़ा सा न्यूट्रल करके थोड़ी सी एक न्यूड पेंसिल के साथ लगाती हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत ऐसे वेरेबल लगती है। कुछ इस तरीके से मैं यूज़ करी हूँ नायका का लिप पेंसिल इन रॉकेट चिक। तो मैं इसको एज अ लिपस्टिक लगाती हूँ अपने लिप्स के सेंटर में। ये एक तरीका है किसी भी लिपस्टिक को एज अ लिप टिंट यूज़ करने का। आप उसको अपने सेंटर में लगाइए कुछ इस तरीके से, ताकि जो कलर का जो मैक्सिमम पे ऑफ है वो लिपस्टिक के सेंटर में रहे। और उसके बाद मैं एक ब्राउन न्यूड ब्राउन लिपस्टिक से या लिप पेंसिल से उसको आउटलाइन करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है पिंक को थोड़ा सा और इन्हांस करना है, तो मैं थोड़ा सा इन द मिडल और लगा देती हूँ। तो ये है मेरा न्यूट्रल न्यूड पिंक लिप। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डार्क पिंक लिपस्टिक या ब्राइट पिंक लिपस्टिक नहीं पहन सकते या आपको कॉन्फिडेंट नहीं फील होता है ब्राइट कलर पहनने से, तो ये एक टिप है। अगर आप उन कलर्स को सेंटर ऑफ द लिप में लगाएं और उसके बाद एक न्यूट्रल पेंसिल से आउटलाइन करें, तो आप बहुत ईजिली वो कलर बहुत वेरेबल हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है उसे कैरी करना। दिस इज हाउ आई वेयर माई पिंक लिप। एंड आई थिंक ये बहुत सेक्सी भी लगता है बिकॉज इट्स नॉट ऑब्वियस। आई थिंक थोड़ा सल्ट्री और समर अप्रोप्रिएट पिंक लिप है ये। तो दैट्स हाउ आई वेयर माई पिंक लिप। अगर आप चाहते हैं तो आप कोई न्यूट्रल ब्लश भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप कोई लिपस्टिक एज अ ब्लश भी लगा सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप एक लिपस्टिक को ब्लश के जैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये पिंक लिपस्टिक ली है और मैं इसे अपने बैक ऑफ द हैंड पे ऐसे जो है लगा रही हूँ और मैं इसी को ही इस तरीके से अपने फिंगर्स पे लेके और एक्सेस जो है निकाल के जब बहुत थोड़ा सा मेरे फिंगर्स पे प्रोडक्ट बचे, स्माइल करके अपने एप्पल पे हल्के हल्के लगाऊंगी, इस फिंगर से और इस फिंगर से ब्लेंड करूंगी और उसी शेप में जिसी शेप में हम ब्लश लगाते हैं। जब मैं लगा रही हूँ प्रोडक्ट तो मैं इस तरीके से लगा रही हूँ और जब मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो मैं उसके कॉर्नर्स पे जो है ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो है प्रोडक्ट की इंटेंसिटी मिडिल में ही रहे या फिर जहाँ मैं लगाना चाहती हूँ वहाँ रहे। बहुत ही हल्का सा नेचुरल इफेक्ट आता है और मैं ये एंड में करती हूँ क्योंकि इससे जो है हमारा मेकअप उसके बाद और ख़राब नहीं होता है, ताकि जब मेरा मेकअप पूरा सेट हो जाए तो मैं इसको इस स्टेप को करती हूँ। यही चीज़ मैं दूसरे चीक पे भी कर रही हूँ। थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके एक्सेस निकाल के अपने हैंड पे और स्माइल करके सिर्फ उस एरिया पे जिस एरिया पे मैं ब्लश लगाती हूँ और फिर इस फिंगर से कॉर्नर्स को ब्लर या ब्लेंड करती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही नेचुरल ब्लश जो है लगता है। ये लगता ही नहीं है कि आपने कुछ लगाया है, ऐसे लगता है कि आपके रोजी चीक्स हैं नेचुरली या फिर आप सन से आए हैं और वो जो पिंच्ड चीक इफेक्ट है वो अचीव होता है एक लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज़ करने से। तो आज हमने यूज़ करा है आई पिगमेंट एज अ हाईलाइटर, लिपस्टिक एज अ ब्लश। मेकअप के कोई रूल्स नहीं होते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ मल्टीपल यूजेस होते हैं प्रोडक्ट्स के, सिर्फ आपको उन्हें यूज़ करना आना चाहिए। तो ये हो गया मेकअप। अब बारी है हेयर की। तो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि मैं अपने हेयर को घर पे खुद कैसे जो है कर्ल करती हूँ या खुद कैसे स्टाइल करती हूँ। तो मेरे बाल जो है छोटे हैं तो यूजुअली इन्हें कर्ल करने से पहले मैं इन्हें दो पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लेती हूँ इस तरीके से और मैं ऊपर वाले पार्ट को रबर बैंड से बंद कर लेती हूँ और मैं स्टार्ट करती हूँ नीचे के पार्ट से। मेरे बाल थोड़े से अभी कर्ल हैं क्योंकि मैंने कल कर्ल किया था इनको, तो मैं एक स्ट्रेटनिंग आयरन से जो है अपने बालों को कर्ल करती हूँ और मैं पूरे बालों को कर्ल नहीं करती, बीच के थोड़े थोड़े पार्ट्स को करती हूँ कुछ इस तरीके से और बाकी पार्ट्स को उसमें मर्ज कर देती हूँ कुछ इस तरीके से। जो है कर्ल बनता है और मैं इसको इस तरीके से छोड़ती हूँ। कोई भी सेक्शन लेके उसको अंदर की तरफ कर्ल करके और फिर छोड़ देती हूँ। और मैं अपने सारे बालों को कर्ल नहीं करती, मैं बीच के थोड़े से पार्ट्स लेके उनको कर्ल करती हूँ और बाकी के पार्ट्स को उसमें मर्ज कर देती हूँ। और जो नीचे के बाल हैं उनको मैं अंदर की तरफ कर्ल कर देती हूँ ताकि वो उसमें मर्ज हो जाए। बेसिकली आपको एक बाहर की तरफ मीन्स इस तरफ जो है कर्ल करना है इस तरीके से। और ये इस तरीके से एक वेव बन जाएगी जो कि बहुत नेचुरल और बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो ये था हमारा आज का नेचुरल ग्लोइंग स्प्रिंग समर मेकअप लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आई होप आप ये लुक रिक्रिएट कर पाए। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत नेचुरल है। इवन हेयर भी बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है, बहुत कैजुअल रखती हूँ मैं अपने बालों को भी। थोड़े से कर्ल करती हूँ, थोड़े से नेचुरल रहने देती हूँ और फिर स्प्रे करके स्क्रंच कर देती हूँ तो सारे बाल एक जैसे दिखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर बार जब मैं यहाँ वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। एज यूजुअल अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में लिखना मत भूलिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं एक्टे के प्रोडक्ट का लिंक नीचे डाल दूंगी ताकि आप लोग वो प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और मेकअप और हेयर वीडियोस बनाऊँ तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मुझे बस इतना ही कहना आप लोगों से, मुझे आप लोगों से बहुत 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 प्यार है और मैं आपको बहुत जल्दी मिलूंगी। बाय।